वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो आज मैं व्लॉग बनाऊंगी। तो देखा आपने, हदीका ने व्लॉग का स्टार्ट किया। कैसा लगा आप लोगों को हदीका का व्लॉग का स्टार्ट? और बस फारूक देखो, आज मैंने रेडी किया, उसके बाद मुझे हदीका कहने लगी कि जो है ना मम्मा व्लॉग स्टार्ट करो। मैंने बोला चलो आप स्टार्ट कर लो आज का व्लॉग। वाह भाई, क्या हुआ? पानी नहीं दे रहा कोई आपको? पानी पीना है, ठंडा पानी पीना है। चोट सही हो गई आपकी? चलो एक पोयम सुना दो अच्छी सी कोई। क्यों? ग्रैंड माँ वाली नहीं सुनाना, दूसरी सुनाना। सुना ट्विंकल ट्विंकल आप सुनाओ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अप पापा ने वॉइस मेरा, आई लाइक अ डायमंड इन द स्टार। गुड, आप सुनाओ। अच्छी आपने भी अच्छी सुनाई है। वाइबा पोयम सुनाओ। गुड क्यों नहीं बोला? गुड गुड गुड, वेरी गुड, सही है। वाइबा वाइबा पोयम सुना। वाइबा सुनाएगी। व्हील ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड। और हमने अपने तोतो को रखा हुआ है अभी बाहर, यहाँ से उठा के हमने रख दिया बाहर। हमने बोला थोड़ी ताज़ा हवा खा लेंगे लोग भी बेचारे, पर इतना डरते ही ये लोग, जैसे अब इनके पिंजरे के पास आते हैं फट जाती है लोगों की। अबे इतना क्यों डरते हो यार, हम थोड़े कुछ करेंगे तुम्हें। इन्होंने फिर गंदा कर दिया। ये गंदा ही करते रहते हैं, ये मम्मा साफ करती रहती हैं, फिर भी इतना डरते हैं हमसे, इतना डरते हैं हमसे। मैं भी इनके साथ यही करती हूँ। तो जब मैं इनको यहाँ पर रखती हूँ ना, तो मैं इनका ध्यान रखती हूँ कि जो है ना ईगल नहीं आ जाए। अभी भी देखें वो सामने आके बैठी हुई है। ये देखें, ये आती है यहाँ पे ना ईगल, अक्सर आई हुई होती है। तो जब मैं इनको यहाँ पर रखती हूँ ना, तो फिर मैं इसको ध्यान में रखती हूँ कि कहीं से ईगल नहीं आ जाए, देखती रहती हूँ। वाइबर तार टूट जाएगा, देखें ऊपर ही बैठी हुई है, वो वहीं पर पड़ गई। तो बस अब मैं इनको अंदर लेके जाऊँगी। चलो अधिक अंदर लेके चले। हाँ। ईगल ना काट लेगी इन लोगों को। हाँ। के ना मार देती है वो। चलो तो अब मैंने इनको उठा के अंदर रख लिया है। तो अभी हदीका हानिया चली गई, हेलो ऑफिस। आपको क्या हुआ, कहाँ चली गई? वाइबो को ना सदमा लग जाता है जब हदीका हानिया जाती है ना। क्या हुआ चली गई का? इससे तो अब नहीं होता, अब तो सही होता है ना। ये आज ही तो भेज रही हूँ फर्स्ट टाइम, बाजी से पूछा ठीक है। क्या है ये? बहुत दिन पहले से लगा हुआ चॉकलेट है, और वापस लाना उठा के। तो अभी जो है ना, आज फिर हमें कुछ हुआ है कि हम जो है ना हदीका आर्या को पिज्ज़ा बना के खिलाएंगे। तो कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी, चीज़ नहीं थी हमारे पास जो है ना, तो हमने चीज़ ऑर्डर करी थी फूड पांडा से, तो चीज़ भी आ गई हमारे पास। और ईस्ट जो होती है ना, वो भी हमारे पास ख़त्म हो गई थी डो बनाने के लिए। देखें हदीका ने बलून में पानी भरा हुआ है और इससे खेल गए। तो अब चीज़ें आ गई हमारी, अब हम बनाते हैं अपनी डो रेडी करते हैं। जब तक जो है ना, मैंने चिकन रेडी कर लिया। वाह, तो चिकन यहाँ पे हमारी रेडी हो रही है। जब फिर अब हम वेजिटेबल्स कट करते हैं और अपने डो बना के रखते हैं। सबसे पहला काम होता है डो रेडी करना। तो मैं डो का आटा गूंथ के उसको रख दूँगी, उसके बाद वेजिटेबल वगैरह कट करूँगी, तो मेरा आराम से एक घंटा गुजर जाएगा। फिर उसके बाद मैं पिज़्ज़ा रेडी करूँगी। अभी बज रहे हैं 8, तो 9 बजे तक या 10 बजे तक हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा, ठीक है। और बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, हदीका यहाँ पर टीवी देख रही हैं, और ये हानिया क्या कर रही हो? तो यहाँ पर जो है ना, मैं पहले हदीका आने के लिए पिज़्ज़ा रेडी करूँगी। अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, जब मैंने इससे पहले पतीली में बनाया था ना,
तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो ओवर कुक हो गया था, नीचे से डो पकाने के चक्कर में ना ऊपर से चीज़ ज़्यादा पक गई थी, तो वो कुछ अजीब सा लग रहा था। तो इस दफ़ा मैंने यूट्यूब पर रेसिपी देखी है, उसमें जो है ना उन्होंने पहले डो रेडी करके डो को जो है ना पहले हल्का सा सेक लिया तवे के ऊपर, उसके बाद उन्होंने पतीले के अंदर रखा। तो आज मैं भी कुछ ऐसी करूँगी। और यहाँ पर जो है ना अब हमारी डो रेडी हो गई है, ये देख रहे हैं आप ये, और यहाँ पर ये मैंने वाइट सॉस टाइप बनाया है अधिका आने के पिज़्ज़ा पे डालने के लिए ना, ठीक है। ये ऑलिव लिया, ये कैरेट लिया, और ये टमाटो लिया, और अनियन वगैरह और कुछ जो है ना अधिका अनियन नहीं पसंद करती, तो इस वजह से जो है ना बस मैंने यही चीज़ें ली हैं जो वो लोग पसंद करती हैं, ठीक है। तो अब हम डो देखें कैसे। तो यहाँ पर जो है ना हमारी डो बिल्कुल रेडी हो गई है, अब हम इसको निकाल लेंगे इसके अंदर से, ठीक है। और आधा आधा कर लेंगे, आधा बनेगा अधिका हानिया का और आधा इनके बाबा का और मेरा। तो यहाँ पे जो है ना मैं इसको सेक रही हूँ, और मैंने इसमें ना फॉक से इस तरह भी कर दिया है, ठीक है। इस तरह आप इसमें फॉक से थोड़े सुराख कर लें, और ये देखें सीखना शुरू हो गया है ना एक तरफ से। तो जो मैंने पिछली दफ़ा गलतियाँ करी थी उनसे मैंने सीखा, और अब मैं जो है ना और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने पतीले में पकाया था ना, तो आई थिंक मुझे तो यही लग रहा था कि वो ओवर कुक हो गया था, ऊपर से चीज़ जो है ना वो स्टिकी नहीं बनी थी, जबकि मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ डाली थी। तो मेरा दिमाग तो यही बोल रहा है कि जो है ना वो इस वजह से हुआ कि वो चीज़ पक गई ज़्यादा ऊपर से। तो फिर मैंने एक रेसिपी में देखा कि उन्होंने जो है ना डो बनाई इस तरीके से, और फिर उसको जो है ना वो कर लिया, सेक लिया इस तरह जैसे मैं सेक रही हूँ ना, ये देखें हल्की हल्की से सीखी है इस तरफ से। तो अब जो दिखाने को मैंने पिज़्ज़ा खिला दिया, और बस मैं इन लोगों को सुलाने लगी थी, तो मैंने बोला चलें पूछती हूँ मैं कि आज का पिज़्ज़ा कैसा लगा। उस दिन तो मैंने नहीं पूछा था, उस दिन भी ये लोग सो गए थे, तो अभी भी सो जाते, पर मुझे अचानक से याद आया कि भाई अधिका आने से तो हमने पूछा ही नहीं कि कैसा पिज़्ज़ा लगा। बताओ आपको पिज़्ज़ा अच्छा लगा है? इधर आओ, करीब आओ, बताओ कैसा लगा। हानिया को बहुत अच्छा पिज़्ज़ा लगा, थैंक यू। तो बस इसी के साथ आज के व्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल, और हमें रखे दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय। बोलो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, बाय।